hi students, welcome to the channel. today in this video we are going to discuss packet switching in computer networking. okay, so packet switching is a switching technique in which the message is sent in one go. okay, here message is sent in one go. in one go, but it is divided into smaller pieces. it is divided into smaller पीसेस एंड एंड दे आर सेंट इंडिविजुअली ओके जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टाइप में डिस्कस किया था कि एक मैसेज जो होता है वो एज इट इज उस पूरे मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करता है राइट right? लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है एक मैसेज को ठीक है ये मैसेज को वो पर्टिकुलर छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे एंड इंडिविजुअली हर एक पैकेट ट्रांसमिट होगा सोर्स okay? से डेस्टिनेशन पे ओके सिंपल सी चीज़ है यानी कि यानी कि एक बड़े मैसेज को ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा एंड इंडिविजुअली उन पैकेट्स को ट्रांसमिट करवा देगा ओके द मैसेज स्प्लिट्स इन टू स्मॉलर पीसीज नोन एज पैकेट्स ठीक है इन जो मैसेज होता है इसमें जो मैसेज होता है उसको सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है जिसको कि पैकेट्स बोलते हैं ओके एंड पैकेट्स आर गिवन अ यूनिक नंबर पैकेट्स में हम लोग यूनिक नंबर दे देते हैं पैकेट्स को टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड ठीक है ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ओ मॉडल में वहाँ पे भी क्या होता था एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती थी कि वो पैकेट्स को डिवाइड कर देता था सॉरी मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड कर देता था एंड हर एक मैसेज को एक नंबर मिल जाता था ताकि जब वो डेस्टिनेशन साइड पर पहुँचे तो वो सीक्वेंस में उनको अरेंज कर सके ठीक है इसमें ऐसा नहीं है जैसे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अब हम इसी सीक्वेंस में इनको भेज रहे हैं बट बीच में क्या हो सकता है ट्रैफिक अगर ज़्यादा हो या किसी भी इशू की वजह से क्या हो सकता है मैसेज जो है हमारा इस तरह से पहुंच सकता है सिक्स फाइव टू वन थ्री फोर इस तरह से भी पहुँच सकता है ठीक है लेकिन क्योंकि इसमें प्रॉपर नंबर दिया हुआ है एंड सभी में अलग अलग से डेस्टिनेशन का एड्रेस ऐड किया होता है इनके हेडर्स में सो हेडर सेक्शन सॉरी तो डेस्टिनेशन सेक्शन पे जाके क्या हो जाएगा उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाएगा ठीक है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी सीक्वेंस में पहुंचे यहाँ पे डेस्टिनेशन साइड पे उनको प्रॉपर अरेंजमेंट दिया जाता है ओके सो एवरी पैकेट कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इन इट्स हेडर सच एज जो इसका हेडर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उस हेडर में क्या होता है सोर्स का एड्रेस भी होता है ठीक है सोर्स का एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है एंड उनका सीक्वेंस नंबर होता है ठीक है ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री पॉइंट्स राइट सो पैकेट्स विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल ठीक है यहां पे हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल पाथ्स होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए सो so, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं ये पैकेट्स राइट right? लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे रूट्स हैं ठीक है मल्टीपल रूट्स हैं तो कुछ एक पैकेट्स इस रूट से जाएंगे कुछ एक इससे जाएंगे लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि सब में डेस्टिनेशन का प्रॉपर एड्रेस होगा तो किसी भी रूट से जाएं वो डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाएंगे ओके okay, उनकी सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत लेकिन यहाँ पे उनको अरेंज कर दिया जाता है क्योंकि उनका सीक्वेंस नंबर भी जो है वो हैडर्स में ऐड होता है ओके ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर ठीक है रीअसेंबल कर दिया जाता है सभी पैकेट्स को रिसीवर साइड पर ठीक है या फिर डेस्टिनेशन साइड पे इफ एनी पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड देन द मैसेज विल बी सेंड सेंड टू रीसेंड द मैसेज ठीक है अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सोर्स एड्रेस भी लिखता है हेडर में सोर्स एड्रेस को भी ये एंटर करवाते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है कि अगर बाय चांस कोई पैकेट इस रूट से जा रहा था एंड ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से या किसी और इशू की वजह से वो पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएगा तो अगर उसका सोर्स एड्रेस ऐड होगा तो वो उस पैकेट को वापस भेज देंगे सोर्स पे ठीक है एंड वहाँ से वो वापस दूसरा रूट पकड़ के डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगेगा ओके ये बेसिक सा प्रोसेस है राइट इफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट इज रीच्ड देन द एक्नोलेजमेंट मैसेज विल बी सेंट ठीक है इसमें भी क्या होता है इसमें भी एक्नोलेजमेंट मैसेज सेंड होता है डेस्टिनेशन से सोर्स पे ठीक है जैसे कि अगर मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन पे चला गया अब जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाएगा तो डेस्टिनेशन साइड का सिस्टम क्या करेगा यहाँ पे मैसेज कर देगा कि पैकेट्स जो थे वो जिस सीक्वेंस में भेजे गए थे जिस ऑर्डर में भेजे गए थे उस ऑर्डर में रिसीव हो चुके हैं ओके सो इससे क्या होगा इससे सेंडर साइड को पता चल जाएगा कि जो डेटा ट्रांसमिशन का वर्क इसे दिया गया था वो प्रॉपर हो गया है या नहीं हो गया है ओके okay? now we will discuss the advantages of packet switching so first advantage is cost cost effective okay in packet switching techniques switching devices do not require massive secondary storage they do not require massive massive secondary storage to store the packets, so cost is minimized to some extent. Okay, so therefore, we can say that packet switching technique is a cost effective technique. जैसे कि हम लोगों ने मैसेज स्विचिंग में डिस्कस किया था वहाँ पे सेंट्रल नोड्स भी होती हैं एंड क्योंकि सेंट्रल नोड्स क्या करती थी वहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड का काम करती थी इसलिए क्या होता था वहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती थी ठीक है ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती थी तभी वो मैसेज स्विचिंग प्रॉपर काम कर पाता था अदरवाइज प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती थी ओके लेकिन पैकेट स्विचिंग के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सेकेंड एडवांटेज इज रिलायबल okay if any node is busy then the packet can be rerouted okay this ensures that the packet switching techniques provide reliable communication yani ki source se destination tak jo multiple paths hote hain ठीक है अगर ये वाला रूट बिजी है तो पैकेट क्या होगा वापस पहुंच जाएगा सोर्स पे एंड वो किसी और दूसरे रूट से डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा ये कैसे पॉसिबल है ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमेशा पैकेट स्विचिंग में हम लोग तीन चीज़ें स्टोर करते हैं हेडर में तीन चीज़ें स्टोर करते हैं राइट right? सोर्स का एड्रेस डेस्टिनेशन का एड्रेस एंड उनका सीक्वेंस नंबर ठीक है सो ये जो सोर्स का एड्रेस अगर सिस्टम के पास होगा तो वो आधे रास्ते से भी पैकेट को वापस भेज सकता है अगर रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक होगी या कोई भी और इशू होगा तो ओके थर्ड पॉइंट इज एफिशेंट Packet switching is an efficient technique. It does not require any established path. Okay, it does not require any established path. Established path.

ओके सो पैकेट स्विचिंग टेक्निक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर लो डिले दैट रिक्वायर लो डिले एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज हाई क्वालिटी सर्विसेज ओके द प्रोटोकॉल्स यूज इन डेटा पैकेट सॉरी द प्रोटोकॉल्स यूज इन पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स ओके इसमें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं ओके एंड दे रिक्वायर हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट रिक्वायर हाई इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ओके नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द नेटवर्क इज ओवरलोडेड और करप्टेड देन इट रिक्वायर्स रिट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स इट कैन ऑल्सो लीड to the loss of critical information if errors are not recovered ठीक है सो ये क्या कर सकता है हमारे सिस्टम को क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा सकता है जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर पैकेट यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं सेंट्रल नोड्स भी नहीं है जो उस पैकेट को स्टोर करेगी वो द, या तो डायरेक्टली जाएगा या फिर अगर कोई इशू है तो वो आधे रास्ते से पैकेट वापिस सोर्स पर जा दूसरा रूट पकड़ेगा ठीक है So, ये भी क्या है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है लेकिन कई बार क्या होता है पैकेट्स यहां से यहां जा रहे हैं ठीक है कई बार क्या होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट जा रहे हैं सीक्वेंस में ठीक है वन टू थ्री फोर फोर पैकेट्स थे बट वन थ्री एंड फोर पैकेट्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गए जो पैकेट नंबर टू था वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है वो ट्रैफिक में फंस चुका है इसकी वजह से क्या होगा जो हमारा पूरा नेटवर्क है वो करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस एंड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेट स्विचिंग आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिज पॉइंट्स एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओके थैंक यू